एजुकेशन तो मुसलमानों के हाथ में है नहीं, ज़्यादातर एजुकेशन यही रखे हैं सब वेस्टर्न कल्चर वाले। उन्होंने कहा कुछ ऐसा नाम रखो ना कि आदमियाँ मुसलमान लगबे ना करें, तो फिरौन का नाम रख दिया फैरो। जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो धर्म देख रहे हो लोग। जब ब्रिटेन जर्मनी पे मार रहा था तो पैसे से यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद किया था, 60 लाख यहूदियों को अकेले मरवाया था हिटलर, 60 लाख, छोटे बच्चे बूढ़े। आज इजराइल जो कर रहा है ना उससे ज्यादा वो झेला है। लगते हो काला पे पूरी दुनिया में काला को सबसे ज्यादा अगर इज्जत दिलाया कोई, हम दिलाए, वरना हमारे से पहले ना पुरुष को कोई वैल्यू देता था ना काला आदमी कोई वैल्यू देता था, हम दिलाए कि नहीं दिलाए। आज कहीं पे भी जाते हैं तो इन देवताओं को असली सम्मान अभी ने दिलाया। तो देखिए इस्लाम धर्म के हिसाब से 125,000 पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर आए, तो क्या 125,000 किसी को नाम याद रहेगा जी? हाँ नहीं याद हो पाएगा। तो उसमें तीन प्रमुख थे, एक थे हजरत मूसा, हजरत मूसा, एक थे हजरत ईसा और एक थे हजरत मोहम्मद साहब। ये आखिरी थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के हिसाब से इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आया। एक दो तीन मत समझ लीजिएगा, अरे मिटा देते हैं ना अबे कोनो ज्ञान देने चलाएगा हमारा, समझ में आ गया कि नहीं? अभी कोनो देख लेगा ऑनलाइन में तो कहेगा देखो मास्टर तीनों को लिखा है कभी। अच्छा कोई आदमी भड़कता है ना तो हम कभी भी नहीं शांत कराते उसको, हमको मजा आता है। कोई ऐसे भड़क रहा है ना, बचपन में कैसे किसी को चिढ़ाते थे, किरिकता था तो मजा आता था, तो कोनो और के हम हाँ हाँ एकदम। और एक हमसे पूछे आप कौन धर्म को मानते हैं, हमको यहूदी, क्योंकि हमको पता ही सबसे ज्यादा चिढ़ाया यहूदी से। मजा आ रहा था यार। तो देखिए हजरत मूसा को मानने वाले यहूदी हो गए, क्या हो गए? यहूदी। कौन हो गए? यहूदी। इनका मानना है कि इनके पैगंबर कौन थे? हजरत मूसा, ठीक है। उसके बाद आए कौन? हजरत ईसा। इनको मानने वाले ईसाई हो गए। कौन हो गए? ईसाई। ईसाइयों का कहना है कि हम हजरत मूसा को भी मानेंगे, हजरत मूसा को भी मान और हजरत ईसा को भी मानेंगे। तो ये दोनों को मानते हैं लोग, आई इनको मान। अब आए मोहम्मद साहब को मानने वाले मुस्लिम, हाँ मुस्लिम। मुस्लिम का कहना हम हजरत मूसा को भी मानेंगे, हजरत ईसा को भी मानेंगे और किसको मानेंगे? मोहम्मद साहब को मानेंगे। और इनके हिसाब से अंतिम पैगंबर कौन थे? तीनों में देखिएगा, तीनों जब नमाज पढ़ने या अपने पूजा पाठ करने जाएंगे तो टोपी पहनेंगे। तीनों में एक अजान टाइप का परंपरा होती है, जैसे मुस्लिम में अजान दिया जाता है उन लोग में भी इस टाइप का होता है, संदेश होता है यहाँ पे। तीनों में देखिएगा जो धार्मिक महिलाएं होंगी ना वो हिजाब टाइप का पहनेंगे, तीनों में देखिएगा। यहाँ पे मुस्लिम में तो ज़्यादा पहनते हैं, क्रिश्चियन में देखिएगा जो नन होंगी लोग ना, नन वो भी उस टाइप का। तो ये तीनों, अच्छा इन तीनों के एंसेस्टर मानते हैं वो लोग इब्राहिम अली, इन्हें इब्राहिम अली, इब्राहिम अली सलाम। मुसलमान धर्म में मोस्ट रेस्पेक्ट जब दिया जाता है तो अली सलाम जोड़ा जाता है, जैसे इब्राहिम अली सलाम यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे। तो इन तीनों लोग किसको मानते हैं? कॉमन कहाँ आते हैं? इब्राहिम, वो भी पैगंबर थे, इसलिए इस धर्म को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इब्राहिमिक रिलीजन। तो इब्राहिमिक रिलीजन में कितने आ जाएंगे? यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, सबका अलग अलग परंपरा है। इनके हिसाब से इनके पैगंबर हजरत मूसा थे, इनको लगता है कि इनके बाद एक इनके पैगंबर दोबारा आएंगे, जबकि मुसलमानों का कहना आ गए भाई साहब वही हैं मोहम्मद। ईसाइयों का कहना है ईसा मसीह पैगंबर नहीं, अल्लाह के बेटा थे, ईश्वर के बेटा थे, भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड जो बोलना है बोलिए, बट ये तीनों का कॉमन कौन है? इब्राहिम। अब इस्लाम धर्म में दो प्रमुख पैगंबर देखिए, हजरत मोहम्मद साहब के कहने पे मतलब जब वो आए तो कुरान आया, और इसी रमजान के महीने में आया था, तो 30 पारा है उसमें, 30 रमजान होता है, ईद मनाया जाता है, तो इनसे कौन सा त्यौहार हो गया? ईद। और इब्राहिम जो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इनसे हो गया बकरीद। वो जो काबा बना है ना, काबा जिस पे ऐसे सऊदी अरब में जाते हैं लोग तवाफ करने घूमने, यहाँ पे तो हज वगैरह की परंपरा वहाँ से चल, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। सब में क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं कॉमन है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो इब्राहिमिक रिलीजन कितने हैं? हाँ हजरत इस्माइल कौन थे? इनके बेटा। अब तुम धार्मिक शिक्षा हमसे लेने आए हो,
धार्मिक शिक्षा लेना है तो आप चले जाइए किसी एक फादर को पकड़ लीजिए, एक मौलाना साहब को पकड़ लीजिए, एक यहूदी के उनको पकड़ लीजिए, सिनेगॉग, पूरा धार्मिक शिक्षा दे देंगे। हम तो कॉमन देने जाएंगे ना, समझा गया कि नहीं? दो चीज में देखिएगा, एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, जब मन तब साइंस को चैलेंज करने लगेगा। साइंस मतलब क्या होता है? अरे भाई तुम अपना देखो, अपना देख रहे हैं, यहाँ पे बीमार पड़ोगे तो यहीं आओगे, नहीं समझे? तो सेपरेट रखना चाहिए, क्या जरूरत है कंफ्लिक्ट करने की? आए को शाकाहारी लोगों को देखिएगा, हे मांसाहारी, हे मांसाहारी क्या करता है, मांसाहारी जीव हत्या पाप है, गुड नाइट जला के मच्छर मारना पाप है। सबका अपना अपना अलग अलग। हाँ मच्छर काटता है, नहीं बोलते हम। आगे बढ़े, ये जगह कौन हो गया? लेबनान, ये तो पढ़ लिए। अब देखते हैं कौन सा, इजराइल। अब ये इजराइल में कौन लोग हैं यहाँ पे? यहूदी, अंग्रेजी में जीव्स, हाँ जीव्स। सबसे तेज दिमाग इन लोग का, आइंस्टीन, जितना बढ़िया बढ़िया काम देखेंगे सब यही लोग करके रखा है काम। अब पहले यहाँ पे ना एक देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन। क्या नाम था? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वालों ने भी बहुत बड़का बड़का गलती किया है सर, यहाँ पे ऐसे ही थोड़े हार गया है सब। ये जगह कौन था? फिलिस्तीन। अब ये फिलिस्तीन का जो एरिया था ना, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ये एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव रहा है, यहूदियों का था 2500 साल पहले। 2000 साल पहले, तो भाई 2000 साल पहले तो सिंधु सभ्यता हम लोग का था। उस हिसाब से अगर हम लोग ये कहें कि 2000 साल पहले तो अशोक के हिसाब से हम लोग तो तुर्की तक थे, इजराइल हम लोग का हो जाएगा। 2000 साल पहले इजराइल मतलब कौन सी होता है, जब तुर्की तक हम लोग थे, मौर्य वंश के समय में एशिया माइनर तक हम लोग पहुंच गए थे, तो इजराइल भी तो हम ही लोग का। तो इजराइल का कहना है कि देखिए 2000 साल पहले हमारे एंसेस्टर यहीं रहते थे, इसलिए जगह मेरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कम से कम ये तो कहता भी है कि हमारे 2000 साल पहले यहाँ थे, और हकीकत में 2000 साल पहले यहाँ थे। जिन्ना का कौन था वहां पे? जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत। बात समझिए, जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो, धर्म देख रहे हो लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मानवता के आड़ में ये कोई होता है कि मानवता केवल एक के जगह देखना है। आगे बढ़े, तो 2500 साल पहले ये एरिया में कौन था? यहाँ इजराइल। तो इन लोग का पूरा इजराइल। अब इसमें क्या हुआ, जर्मनी जो था, जर्मनी वो यहूदियों से बहुत नफरत करता था। हिटलर कहा कि पूरी पृथ्वी से हम यहूदियों को मिटा देंगे, और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ है ना, तो यहूदी टॉर्चर हुए हैं सर। उससे ज्यादा किसी को नहीं सताया गया जितना यहूदियों को सताया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में ये हो गया, यहूदी यूरोप में रहते थे सब, यहां इजराइल में नहीं रहते थे। इजराइल में कब रहते थे? 2000 साल पहले। उनकी धार्मिक किताब जो है ना, तौरेत, मुस्लिम लोग उसे तौरेत कहते हैं, और उसको अपने भाषा में टौरा बोलता है। क्या बोलता है? टौरा। अंग्रेजों ने ना मुसलमान लोगों को ऐसा किया ना, कहा कि इन लोग को ऐसा करो कि इनको पते नहीं चले कि इन्हीं का इतिहास है। जैसे ना एक बहुत बड़ा इस्लाम धर्म के में मान्यता के अनुसार एक बहुत बड़ा राजा था, नाम था फिरौन। जिस तरह रावण की सोने की लंका थी ना, उस तरह फिरौन के पास पैसा था, लेकिन इतना अत्याचारी था कि किसी को सुनता ही नहीं था। तो उसे बद्दुआ दे दिया गया कि ना तुम्हारी लाश को आग जलाएगी, ना मिट्टी लेगी, ना पानी लेगा, फेंक देगा। उसको दफनाया गया तो मिट्टिया फेंक दिया, इसे करके धार्मिक मान्यता के हिसाब से। और इतना पैसा वाला था जिसका कोई हद नहीं, तो उस ससुर का लसिया नहीं गल रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा, यार ये मुसलमान सबको कैसे बनाया? तो कहा कि एक काम करते हैं, एजुकेशन तो मुसलमानों के हाथ में है नहीं, ज्यादातर एजुकेशन यही रखे हैं सब वेस्टर्न कल्चर वाले। उन्होंने कहा कुछ ऐसा नाम रखो ना कि आदमियां मुसलमान लगबे ना करे। तो फिरौन का नाम रख दिया फैरो। फिरौन का नाम क्या रख दिया? फैरो। अब वही लोग पढ़ते हैं ना, फैरो एक राजा था। हाँ हाँ, फैरो राजा था, बहुत अमीर था। हाँ राजा था, उसने पिरामिड बनवाया था, पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, और ममी बनाया था, ताबूत, लाशें नहीं ले रहा था। पता ही नहीं चल रहा है मुसलमान लोगों की, जिसको तुम फैरो फैरो पढ़ रहे हो ना, फिरौन है वो। कौन है? फिरौन। तो सोचो एजुकेशन को किस तरह से एजुकेशन एक ऐसा तलवार है ना, जिससे आप कितने लोग को मार सकते हैं पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये
यहां पे यहूदी नहीं थे, कहां रहते थे? यूरोप में। यूरोप में रहते थे ना, तो हिटलर जो प्रथम विश्व युद्ध में हारा ना, तो एक समय था ऐसा था कि हिटलर जब सैनिक था, राजा नहीं था वहां का, सैनिक था, तो एक घर में छुपा हुआ था, तो घर वाले उसको देख लिए, तो उसने पूछा कि बताना नहीं, लेकिन उस एरिया में ज्यूज ज्यादा रहते थे यहूदी, कैसे ना कैसे करके पता चल गया, ये पकड़ा गया। ओके, बात सी कसम खा लिया कि भाई हम इन सब को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी एक और बात कि जब ब्रिटेन जर्मनी पे मार रहा था तो पैसे से यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद किया था, तो दो रीजन था जिसे हिटलर इनसे नफरत करता था, एक व्यक्तिगत रूप से झेला था और दूसरा इसके देश पे जो ब्रिटेन हमला कर रहा था तो ब्रिटेन के पीछे पैसे से सपोर्ट कौन कर रहा था, इसने कहा कि बर्बाद कर देंगे हम, अब तुमको बताते हैं। तो हिटलर जब सत्ता में आया ना, तो ऐसे एक क्लासरूम देख रहे हैं, ऐसे ही क्लासरूम बनवाया था, इससे 10 गुना बड़ा, ऐसे बेंच वेंच लगाया था, बेंच भी नहीं था, आदमी को इसमें भरता था, एक बार में 5-7 हज़ार आदमी भरा जाते थे लोग, दरवाजा बंद कर दिया जाता था और जहरीला गैस छोड़ देता था। होलोकॉस्ट कहा गया उसे, क्या कहा गया? होलो। 60 लाख यहूदियों को अकेले मरवाया था हिटलर, 60 लाख, छोटे बच्चे बूढ़े। आज इजराइल जो कर रहा है ना, उससे ज्यादा वो झेला है, लेकिन वो कौन झेलवाया था? हिटलर। कौन झेलवाया था? हिटलर झेलवाया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहूदी सब परेशान हो गए से कि भागा कहाँ जाए यहाँ पर, तो यहूदियों को पकड़ पकड़ के वहाँ पे, और उनसे दिन रात काम करवाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो यंग एज के थे लोग, यंग एज के, तो उनसे काम कराता था, जैसे सैनिकों के लिए बूट बनाना, जूता बनाना, उनके लिए ड्रेस सिलना, उनके लिए खाना बनवाना, ये सब बनाना। और उसके बाद यहूदियों को क्या करता था ना, 100 लोगों के बीच में 20 आदमी का खाना भेजता था। अब बताइए, 100 आदमी के बीच में आप 20 आदमी का खाना भेजिएगा तो छीन झपट होगा ही, धीरे 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 करके मरने लगे सर। यहूदी सब बर्बाद हो गए सर। यहूदियों ने कहा कि यार ये तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर के आदमी को यहूदी बनाते नहीं हैं, और जो हम लोग बने हुए हैं उनको ये निपटाने के चक्कर में है। कौन? हिटलर। 2 साल और हिटलर जी जाता ना, तो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं लोग यहूदी कोई थे, मार के तबाह कर दिया था। तो यहूदियों ने कहा कि अब हमें अपना अपने वतन लौटना पड़ेगा। याद करो 2000 साल पहले की कहानी, हम लोग कहाँ रहते थे? इजराइल में। वहां अभी कोई होगा खदेड़ देते हैं लोग। यहूदियों के पास बहुत पैसा था, तो उसने ब्रिटेन से कहा कि हमको ना एक काम कीजिए, फलिस्तीन में बसा दीजिए। तो कहा कि फलिस्तीन वालों का क्या करना है? तो कह रहे यार हमारा मुस्लिम है सब, वो सब इन लोग खाली हल, यूनिटी तो कोई है नहीं इनके पास, यूनिटी है नहीं यहाँ पे। और दूसरा एक और खराबी क्या हो गई ना मुस्लिम समाज में, एक और खराबी, एक बात बताओ, जैसे अगर हमें पता चले कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनेगा, तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उससे विरोध करेंगे? नहीं। जो थोड़ा सा हम समझ, इनको समझ में नहीं आया कि मुस्लिम समाज अमेरिका से जाके विरोध कर रहा है। अरे तुम्हारा कहियो सुनेगा? वो कहीं नहीं सुनेगा। याद रखिएगा, जो आपका दुश्मन है हमेशा दुश्मन रहेगा, जो आपसे नफरत करता है हमेशा नफरत करेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे। समझा गया कि नहीं गया? सफाई देने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कोई कहेगा कि खराब हो तो कहेगा नहीं बहुत खराब है। समझा गया कि नहीं गया? तो जो नहीं पसंद करता नहीं पसंद करेगा, ये सिद्धांत याद रखिएगा। हमारे पीछे नाम को लेके जो पड़े थे सब, वो हमारे शुभचिंतक लोग नहीं थे, या जो हमसे सवाल कर रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ का रहने वाले, वो हमारे शुभचिंतक नहीं थे। हमारे शुभचिंतक रहते तो हम उन्हें दिल खोल के बताते कि हाँ हमारा घर द्वार है, आइए हम आपको घर पे नाश्ता पानी कराते हैं, खाना पीना खा। हमारे वो शुभचिंतक नहीं थे। हमारे शुभचिंतक नहीं रहोगे तो हम तुम्हारी तो चिंता ही नहीं करेंगे। चिल्लाओ, एक सूर में चिल्लाओ, चिल्ला। ट्विटर पे ट्रेंड किया था ऑल ओवर इंडिया में, अरेस्ट खान सर, ट्विटर पे सबसे पहला एगो शिक्षक को अरेस्ट करा लिया। हम टेंशन फ्री थे कि अरेस्ट करने दरोगा ही आता है ना, अपने विद्यार्थी होगा। अरे बिहार में हमको अरेस्ट करने को ना, जर्मनी से पुलिस थोड़े आएगी, बिहार से आएगी। यहाँ किसी दरोगा से पूछ लिया, अरे सर हम कहें बबुआ रह दियो हम। लेकिन कहने का सेंस क्या है इससे, बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखिए, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। आज सोच रहा हम क्या है, जितने बड़े मंच पे चले जाए, हमसे लोग पता नहीं क्यों पूछते आपका नाम क्या है, हम उनका जवाब दे देते, कभी कभी मुकरते खराब भी लगता है, लेकिन हमको उन लोगों का चेहरा याद आता है जो दिल में नफरत लेके हमसे सवाल पूछ रहे थे। हम कहें इनके जवाब देंगे ना तो उनका भी जवाब मिल जाएगा।
हमसे नफरत करोगे? तुम्हें पता नहीं है, इतनी सा करोगे ना। खैर अपना जगह पे अपना अपना अपने अपने जीने का सिद्धांत है, जिसको जैसे जीना चाहे। अब यहां पे क्या हुआ, यहूदियों ने कहा कि भाई मुसलमानों में कुछ करोगे, कुछ नहीं करेगा, ये लोग खाली यूनिटी बनाएगा, हल्ला कर देगा एक दो बार यहां पे। तो कहा कि भाई, यहूदियों ने कहा कि हम पैसा देंगे ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन पैसे से कमजोर हो गया था, तो ब्रिटेन ने कहा यहूदियों को कि तुम अगर हमको पैसा दोगे ना तो वादा करते हैं कि तुमको हम फिलिस्तीन में बसा देंगे, चाहे भले फिलिस्तीनियों को मारना पड़े मार देंगे हम लोग यहाँ। तो कहा मारिए ना महाराज, 2000 साल पहले गए थे। तो कहा कि तुम लोग चल का गया? कहा 2000 साल पहले कैसे चल गए थे, हमारा क्या पता है। अभी आप ही को कोई कहेगा, अभी हम ही लोग के रिश्तेदार में कहीं कोई अशोक का रिश्तेदार होगा, क्या पता कोई चंद्रगुप्त मौर्य का, कोई राणा प्रताप, कोई पृथ्वीराज चौहान। अरे वंशज अगर निकाल लेंगे लोग तो बहुत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं से कोनो रिश्तेदार निकल जाएगा, जिसे पता नहीं हमरे में कोनो चंगेज खान का निकल। अरे कौन जानता है पूर्वज में कौन थे, यहाँ पे किसी को पता है? उस तरह से अगर पूर्वज देखने चलिएगा तो एक समय आएगा कि सब लोग आदिमानव बन के उघारे घूम रहा होगा। भाई पूर्वज के, और अगर आपको पूर्वज ही ढूंढना है तो एक समय पे रुक क्यों जा रहे हैं? पूर्वज ढूंढते ढूंढते एकदम स्टार्टिंग में जाइए, जब आदि मानव थे, रुक कह रहे हैं बिचवा में यहाँ पे। तो इसने कहा ठीक है, तो ब्रिटेन को मिल गया पैसा। फ्रांस से कहा कि ये फ्रांस, हमको अगर तुम सैनिक दोगे ना तो हम तुमको ये वाला जगह फिलिस्तीन दे देंगे। सोचिए ब्रिटेन दो आदमी से कसम खा लिया, क्या देने के लिए? अब मुसलमानों से कहा ना कि अगर तुम हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दोगे ना तो हम वादा करते हैं फिलिस्तीन को कुछ नहीं होने देंगे। तीसरा कसम किस पे खाया मुसलमानों से, अब देना किसको है? हाँ इजराइल को। उप कसम खा लिया कि देंगे तो इजराइल को, बाकी वादा टूटे। फिर रूस से कह रहा है, ए रूस देखो ना हिटलरवा तुमको कैसे मारा है, बहुत मारा है ना, हमारा साथ दो, मारेंगे उसके बाद, तुम इतना एरिया में हो तुमको फिलिस्तीन भी दे देंगे। एगो मुर्गी को जगह हलाल हुई, चार जगह वादा किया। ठीक है कितना झूठा है सभी सब, समझ में। गांधी जी इसीलिए इन सब को वैश्या बोले थे। गांधी जी कहते इस पे भरोसा मत करना, वैश्या है सभी सब सोच रहे। तो चार जगह वादा कर दिए। आज जब प्रथम विश्व युद्ध जीते सब ना, तो फ्रांस को कराए, फ्रांस बढ़िया से तोरा नहीं देंगे। रूस को कराए तुम मत लो यहाँ पे। यहूदियों से कहा कि तुम जाओ क्या करो निपटो। तो कह रहा है कि हम कैसे जाएंगे, मारेगा सब तब हमको। तो कहा टेंशन मत ना लो, कान जी मारेगा सब यहाँ से। अरब वालों को कहा कि एक काम करो, तुमको दे देंगे फिलिस्तीन, तुम हमको पैसा देना। तो अरब वाला भी क्या दिया सब पैसा। और उसके बाद सब ये सब क्या किया सब जानते हैं? यहाँ से यहूदियों को कहा कि अब तुम लोग जाओ, लोग यहाँ से जाओ, यहाँ से पैदल भेज दिया सब, घोड़ा पे गाड़ी वगैरह पे लाद के, और हथियार दे दिया सर। कहा कि देखो हथियार चलाओगे तुम ही, हथियार हम देंगे, मारो तुम, हम सब इनकी कमजोरी जानते हैं, ये सब नहीं लड़ पाएगा, सब मारो। तो हथियार दिया ब्रिटेन और अमेरिका, सैनिक दिया ब्रिटेन अमेरिका, ट्रेनिंग दिया ब्रिटेन अमेरिका, मार के मारा सब फिलिस्तीन वालों लोग को, धज्जी उड़ा दिया, आधा एरिया फिलिस्तीन वालों को ढकेल दिया, भाई यहाँ से आधा हम लोग रहेंगे यहाँ पे, आधा पे हो गया इजराइल, आधा पे हो गया फिलिस्तीन। अब हम आपको हमेशा बताएं, अब हम बोलेंगे तो मुस्लिम लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा, वर्ल्ड लेवल पे देखिएगा इनको एक पंचायती वाला आदमी चाहिए होगा। तो ये लोग पंचायती करने कहाँ गए, अमेरिका के पास, और किसके पास, ब्रिटेन के पास। देखिए इजराइल गलत कर रहा है, तो अपने मुस्कुरा रहे थे, इजराइल गलत कर रहा है, सारा हथियार तो हमारे दिया है, नहीं समझ में। तो इजराइल को फोन किया सर, मार तो और दबा के और कब्जिया ले पूरा, इधर पंचायती पे आया है अरब वाला सब, मारा पूरा इजराइल धो दिया। आई पंचायती करा, ठीक ठीक हम यूएनओ को बुलाते हैं, यूएनओ समझौता करेगा, यूएनओ समझौता करेगा, यूएनओ को समझौता किया, कहा कि एक काम करिए 51% फिलिस्तीन को दे दीजिए, 48% इजराइल को दे दीजिए, 1% जेरूसलम में यूएनओ अपना ऑफिस खोल देगा। ये बताओ इसमें इजराइल को क्या लॉस है, इजराइल को रहने के लिए अपना जगह मिल गया, 2000 साल पहले वहां आ गया, इसमें इसको दिक्कत हो गया फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वालों की एक सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो अरब वालों पे भरोसा कर लिए। फिलिस्तीन वालों ने अरब वालों से कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे जमीन को कब्जा कर लिया गया। अरब वालों ने कहा कि लाहौल वाला हमला करो, जंग होगी, फतेह होंगे हम लोग को कौन हरा सकता है, चल दिए लोग यहाँ पे। इन लोग को लग रहा था कि फरिश्ता आएंगे, लोग अपने आप को बिना तैयारी के लड़ लिए लोग यहाँ पे। अमेरिका को पता था इनके पास कितने लेवल का हथियार है, तो इन लोग के पास जो टैंक था वो 1 किलोमीटर मार कर सकता था,
तो अमेरिका ने इनको टैंक दिया इजराइल वालों को जो 1.5 किलोमीटर मार कर सकता था। अब इजराइल का टैंक सामने खड़ा था, उधर से अरब वालों का टैंक मारता था तो 1.5 किलोमीटर अगवे गिर जाता था। इजराइल वाला कहता था, ए चचा रुका हो, रुका रुका ला 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 दाए जा जाइए, मार के तबाह कर दिया यहाँ पे अमेरिका। देखिए अंतर बस यही हो गया, इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, इजराइल ने भरोसा किया भरोसेमंद के ऊपर, ब्रिटेन और अमेरिका के ऊपर, और फिलिस्तीनियों से गलती हो गई, उन्होंने भरोसा कर दिया अरब वालों के ऊपर। तेल खत्म, खेल खत्म।